कुछ दिखा है और हम जो है भाग के दूसरी तरफ जा रहे हैं, हमें कुछ दिखा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं जयवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जयवीर सिंह ब्लॉग में। और आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखेंगे और आज मैं एक नई जगह आया हूं। एक आप जैसे देख रहे होंगे मेरे नीचे मैं एक पुल के नीचे खड़ा हुआ हूं, नीचे पानी बह रहा है और ये पुल है, नीचे नदी है, नदी का नाम भाखड़ा नदी है। और ये जो पुल आप देख रहे हैं, आप लोगों ने पुल अक्सर देखे होंगे, आप कहीं जाते होंगे तो रास्ते में बहुत सारे पुल आपको पड़ते होंगे। पुल आपने ऊपर से बिल्कुल देखा होगा, लेकिन पुल नीचे से क्या कैसा होता है और उसके अंदर होता क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि चलिए तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर की। और ये देखिए, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आपको पुल नीचे कैसा होता है दिखाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर। आइए दोस्तों, मैं जैसा कह रहा था आपको अंदर दिखाता हूँ। ये अंदर देखिए आप लोग, ये किस प्रकार का सरफेस इसके अंदर रूम टाइप बना हुआ है पूरा पुल। और मैं इसमें अंदर जाके दिखाऊंगा दोस्तों आपको ये पूरा पुल नीचे से। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं इसमें अंदर आ चुका हूँ। और ये देखिए आप, पूरा एक रूम टाइप, अच्छा रहने के लिए एक बिल्कुल जैसे आप इसमें रह सकते हैं दोस्तों, इस टाइप का बना हुआ है ये। और ये एक इसमें जगह छोड़ी गई है नीचे, नीचे देख रहे हैं आप, इसमें नीचे की ज़मीन दिख रही है, ये जगह छोड़ी गई है। और जगह जगह इसमें गड्ढे छोड़े गए हैं, ये देखिए यहाँ ये गड्ढा है। और आगे इसमें बहुत अंधेरा है, मैं मोबाइल की टॉर्च जला रहा हूँ अपने। इस साइड से भी इसमें जो गड्ढे छोड़े गए हैं ये देख रहे हैं आप, कितना अंधेरा है इसमें। आप बिना टॉर्च लाइट के शायद मुझे लग रहा है कुछ इसमें नज़र भी नहीं आएगा। और इसमें डर भी लग रहा है दोस्तों, बहुत ही डरावना माहौल। देखिए किस प्रकार का सरफेस है अंदर, ये देख रहे हैं आप, बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा है इसमें। कोई भी चोर इसमें आराम से बैठ सकता है, रह सकता है, कोई भी पक्षी इसमें अपना घोंसला बना सकता है, कोई भी जानवर आकर के इसमें रह सकता है। और ये दूसरे लगभग उसमें आ गए हैं सरफेस में, हम ऐसे बहुत सारे सरफेस हम उस तरफ तक। दोस्तों इस समय हम पुल के नीचे हैं, आप सुन पा रहे होंगे शायद ऊपर गाड़ियां निकल के जा रही हैं, तो उसकी धमक की आवाज़ जो नीचे तक आ रही है, उसके कंपन की जो आवाज़ है वो नीचे आ रही है। और शायद आपने कभी पुल को नीचे से देखा होगा, देखिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम ये पूरा कितना मजबूत, अंदर से भी मजबूत है लेकिन खोखला है। और ये देखिए नीचे, यहाँ से नीचे नदी जो है वो दिख रही है, देख रहे हैं आप, यहाँ से नदी जो दिख रही है, पूरा सरफेस नदी का जो दिख रहा है। ये ऐसे हर उस पोर्शन में ऐसे ही एक बड़ा सा होल दिया गया है, पता नहीं क्यों, साफ़ सफाई के लिए दिया गया होगा शायद। और आगे देखिए, ये हम फिर बाहर आपको रेलवे ट्रैक दिख रहे हुए, हम पुल के नीचे हैं इस समय। देखिए इधर आपको रेलवे ट्रैक, ये मैं नीचे आ गया, ये जो है आपको रेलवे ट्रैक दिख रही होगी, ये पुल है। और ये पुल की ऊंचाई आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए हम पुल के नीचे वाले हिस्से में हैं। और इस तरफ थोड़ी दूरी पर एक दूसरा पुल है, दिख रहा होगा आपको, उस साइड में वाहन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कोई नदी में अपने पैर धुल रहा है, ये देखिए कोई व्यक्ति यहाँ नदी में अपने पैर धुल रहा है। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि पुल का सरफेस मैंने आपको दिखा था, और भी दिखाऊंगा, अभी अभी कुछ रह गया है दिखाने के लिए। और ये साथ में हमारे भांजे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं मेरा वीडियो बनाने में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है मेरी तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, बाकी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमें कुछ दिखा है और हम जो है भाग के दूसरी तरफ जा रहे हैं, हमें कुछ दिखा है, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हम आपको दिखाएंगे अभी जल्दी। हाँ नीचे, बहुत बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए हम पुल के ऊपर नीचे थे और हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये देखिए कितना बड़ा सांप, ये हमें दिखाता दोस्तों वहाँ से। और ये नदी के किनारे से निकल के आया, ओह ये देखिए, ये कितना बड़ा सांप है, देखिए वहाँ भांजे और हमारे भैया साथ में हैं। ये देखिए आप, मैं इसे, आप देख रहे हैं क्या बात है, आप
हमारे क्षेत्र में शायद इतने मोटे सांप हमने देखे नहीं है अभी तक। और पहला सांप है जो मैं आपको इतने पास से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है ये मेरी तरफ कुछ हुआ है। और ये देखिए चलने लगा, सांप है भाई। हमारे क्षेत्र में इतने मोटे सांप कभी होते नहीं है। ये नदी की तरफ जा रहा है, देखिए इधर ये नदी है, ये शायद नदी की तरफ जाने की पूरी कोशिश में है। और ये देखिए, ये देखिए, ये तार से होकर निकल रहा है, इस तार में फंस चुका है। और देखिए आप इसका सिर देखिए कितना बड़ा है। ये भागने की पूरी कोशिश में है ये। और ये भाग के देखिए यहाँ झाड़ियों में जाता हुआ, ये देखिए झाड़ियों में घुस गया। ये निकला इधर से झाड़ी में से। और ये क्या बात है भाई, देखिए वो अंदर चला गया झाड़ियों में, वो उस तरफ। मैं अभी आपको उस तरफ से दिखाता हूँ, वो पार पहुँच चुका है। ये देखिए घुस नहीं पा रहा उसमें, वापस निकल आया। क्या बात है, इसे शायद धूप की वजह से ही ऊपर आ गया था रेत में, गर्म रेत में इकट्ठा होकर के इसमें अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है हमारे डर के चक्कर से, और घुस नहीं पा रहा है थोड़ा मोटा होने के चक्कर से। क्योंकि यहाँ ये जो है देख रहे हैं ये जाली लगी हुई है, इसमें छोटे छोटे होल है। चलिए अब चलते हैं, हम इसे छोड़ते हैं और जो रह गया तो उसमें दिखाने के लिए आपको दिखाते हैं आगे। दोस्तों मैं आपको दिखाने आया था कि पुल जो है वो अंदर से नीचे से कैसा दिखता है, तो लेकिन मुझे अचानक ही एक बड़ा सा सांप मिल गया जो मैंने आपको दिखाया। बहुत असली एकदम मुझे पता नहीं था यहाँ मिलेगा, लेकिन वो यहाँ घूमते हुए मुझे मिल गया। और हम लोगों ने उसकी वीडियो भी आपको जो आपने देखा वीडियो में शूट किया है। और मैं दिखाना चाहता हूँ बिल्कुल नीचे से कैसा दिखता है पुल। तो ये देखिए आप वाला होल, ये दोनों होल जो हमने ऊपर से दिखाए थे इनमें से आपको रोशनी नज़र आ रही थी, और ये नीचे से कुछ ऐसा सरफेस है दिख रहा है। ये सारे छेद जो वहाँ से दिख रहे थे, और दो छेद आपको बड़े बड़े जो पीछे दिख रहे हैं, ये छेद उनमें से रोशनी दिख रही थी जिसमें से हमने नीचे का हिस्सा आपको दिखाया था। बहुत ही अच्छी दिखा है, घूमने लायक, घूमने भी आप यहाँ आ सकते हैं। ये वो जो पुल आप देख रहे हैं पीछे वाला पुल जो है, बहुत पुराना पुल है, रानी लक्ष्मीबाई के समय का बनवाया हुआ पुल है। लाल बहादुर शास्त्री जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, उस समय का बना हुआ पुल है। 1976 का देख रहे हैं बना हुआ है। और मेरे पीछे आप एक ट्रेन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ इधर देख रहे हैं आप एक पुल, वो भी है रेलवे ट्रैक का पुल है एक बराबर में जो लोहे का, इधर दूर दिख रहा है आपको। चलिए दोस्तों अब मैं आपको ऊपर लेकर के चलता हूँ। और ये देख रहे हैं आप इसकी ऊंचाई, वो हमारे भैया ऊपर खड़े हैं, उनका खाली जो है सिर दिख रहा है। ये देखिए यहाँ जो खड़े हैं वो भैया जी हैं। जो बचा था दिखाने के लिए मुझे, वो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ ऐसा कि ये पुल जो है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये सोकर टाइप बना हुआ है, ये सोकर टाइप बना हुआ है जो आपस में एक दूसरे में शायद मुझे लग रहा है ये फंसे हुए होंगे, ताकि पुल जो है किधर को भी स्लाइड ना करे, सरके ना, इसलिए इतनी मजबूती दी गई है। इस तरफ देख रहे हैं आप, ये यहाँ भी कुछ ऐसा ही पोर्शन दिया हुआ है। और दोस्तों कोई भी जंगली जीव यहाँ हो सकता है। ये देखिए आप, हर हिस्से में मजबूती दी गई है। ये वाला हिस्सा जो मैं दिखा रहा था अंदर से आपको, ये वाला हिस्सा, इसमें रूम टाइप जो मैंने दिखाए थे, इतने इतने बड़े रूम टाइप थे। और अब मैं वापस जा रहा हूँ ऊपर सड़क की तरफ, थक चुका हूँ दोस्तों। यहाँ देखिए मेरे पीछे ऊपर हाईवे पे मैं आ चुका हूँ। ये देखिए, ये है दिल्ली नेशनल हाईवे, दिल्ली लखनऊ जो बरेली होते हुए, बरेली बीच में पड़ता है, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर बरेली है। तो
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। मैं ऐसे ही फैक्टों के साथ, ऐसी वीडियोज़ के साथ आपको मिलवाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।